नमस्कार सभी को, ये मेरा एनिवर्सरी का ब्लॉग है। संडे था उस दिन, नॉर्मल वही डेली वाले काम घर के मैंने सारे ख़त्म किए और उसके बाद रेडी हुई मैं। तो मॉर्निंग में मैंने सारे काम ख़त्म किए और मेरी एनिवर्सरी भी थी तो हम लोग जा रहे थे। ये साड़ी मैंने ऑनलाइन अपनी साइट से ही ली थी, मैं खुद सेल करती हूँ। राजपूती ज्वेलरी, साड़ी सब कुछ अवेलेबल है, 4 ईयर्स हो गए। और फिर उसके बाद हम लोग निकल दिए, गाड़ी में मैंने कुछ रील्स भी बनाई और उसके बाद हम लोग जा रहे थे पैसिफिक मॉल। बट यूग बोला कि मुझे पार्क जाना है, उसको दिख गया रास्ते में। तो फिर हम लोग पार्क में एंटर हुए तो पार्क में यूग एंजॉय कर रहा था, मैंने कुछ अपनी, तो फिर पार्क में मैंने कुछ रील्स बनाई और यूग पार्क में अपना खेल रहा था। मैंने हस्बैंड को भी बोला कि मेरे साथ कुछ रील्स शूट कराएं, तो उन्होंने 2 ही मेरे साथ कराई हैं आई थिंक। और फिर उसके बाद वो चले गए यूग को एक साइड एरिया में, अभी मैं आगे दिखाऊंगी, एक अलग ही बच्चों के लिए एरिया था, उसमें काफ़ी खेलने के लिए चीज़ें थी। तो यूग वहाँ चला गया, मैं तो नहीं गई, हस्बैंड ने अपने मोबाइल से क्लिक्स ली थी तो मैंने इसमें कुछ ऐड कर दी हैं। और पूरा टाइम फिर वहीं निकल गया, कहीं नहीं जा पाई। तो संडे का दिन था तो लेट सब कुछ हुआ, लेट निकले घर से। और फिर ये देखिए, आपको दिखेगा पार्क का एरिया भी। फिर उसके बाद यूग वहाँ इंजॉय करता रहा और मेरी रील्स बनती रही। और ये जो कोहली रेस्टोरेंट और बेकरी शॉप है, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ सब कुछ लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। तो यहाँ से हम लोगों ने केक के लिए सोचा, तो मैंने केक लिया। हम लोग ले रहे थे फ्रूट केक, लेकिन नहीं अवेलेबल था, ऑन ऑर्डर बनने में टाइम लगता और लेट हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने, मैं भूल गई कौन सा केक का नाम था, वो केक लिया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था उस केक को। हाँ, हम लोगों ने ऑर्डर देने के बाद ऊपर भी गए, आप देखिएगा अभी ऊपर का व्यू। मैंने क्लिप्स ली हैं जितनी भी, देखिए इसमें आपको शो हो रही होंगी, काफ़ी अच्छा व्यू है। ऊपर गए, ऊपर हम लोगों ने केक कटिंग की और कुछ भी नहीं खाने का मन था, क्योंकि थोड़ा वहाँ पार्क के पास भी अवेलेबल था, कुछ स्नैक्स वगैरह थे तो वहीं से थोड़ा बहुत हम लोगों ने ले लिया था। तो इतने खाने की इच्छा नहीं थी और घर से नाश्ता करके ही निकले थे, डिसाइड यही था कि हाँ खाएंगे, बट स्नैक्स वगैरह ज़्यादा हो गए थे तो इसलिए खाने का मन नहीं हुआ। फिर तो केक कटिंग हम लोगों ने यहाँ पे की हुई है ऊपर, और केक कटिंग करने के बाद फिर वहाँ से यूग को स्वीट की डिश कुछ दिख गई, उसकी जिद कर रहा था तो फिर स्वीट पी ली। दो कोई अलग से फ्लेवर लिए, अलग सी थी वो। ये देखिए यहाँ पे हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं। फिर वहाँ से हम लोग नीचे की तरफ गए और हम लोग घर जा रहे थे, अपना सामान जो भी था पैक करा लिया था, कुछ स्वीट्स वगैरह ही लिए थे। फिर बाहर जाके भी मैंने कुछ पिक्स ली हैं इसी रेस्टोरेंट के बाहर की। और ये थोड़ी क्लिप्स यूग के वो पार्क में जब वो खेल रहा था ना, उस टाइम के मेरे हस्बैंड के मोबाइल में थी। तो ये देखिए यूग है वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहा था, इसी के चक्कर में कहीं और नहीं जा पाए, पूरा टाइम उस पार्क में ही चला गया। एनिवर्सरी डे मेरा पार्क में ही मन गया, पर ये यूग इंजॉय कर रहा। तो ये मेरा इवनिंग का है, जब हम लोग घर आ गए थे, मैं नीचे जा रही थी, मेरा पार्सल आया था कुछ लेने तो मैं गई। तो ये मेरे बैंगल्स थे जो कि मैंने ऑर्डर किए थे, मैं इसको देख रही थी, इसमें बस एक प्रॉब्लम हो गई कि इसका साइज़ है ना वो छोटा आ गया। तो मेरी साइड में रिटर्न का तो नहीं है, एक्सचेंज अवेलेबल है, तो मैंने इसको एक्सचेंज के लिए कर दिया डीलर से।
और ये मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी अच्छे थे। फिर रात को ये बैंगन का भरता बनना था तो उसकी तैयारी हो रही थी, साथ में मैं अपने कमरे में ना मेरी बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी ही पड़ी हुई थी अलग अलग लगेज में, तो मैं उसको एक बड़ी लगेज में पूरी सेट कर रही थी कि मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाती है एक साथ बड़े लगेज में ही रख दूँ तो सही रहे। हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य है और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। वेरी गुड। फिर मैं यहाँ पे बैगन को फ्राई कर रही थी, मेरी साड़ी अरेंज हो गई थी और वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े भी लगे हुए थे। फिर उसके बाद मैंने चपाती बनाई। मेरे हस्बैंड इवनिंग में वॉक के लिए जाते हैं, तो एक डेढ़ घंटे में आता है, युग को मैंने दे दिया, उसको भूख लग रही थी। ये दिख रहा है उसने कुछ खाया नहीं है, मुझे आगे खिलाना पड़ा। फिर बर्तन क्लीन किए मैंने, किचन पूरी पोछा पोछा लगाया। ख़त्म ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।